मतलब बॉन्ड होल्डर के को अगर सौ रुपए का बॉन्ड है और अगर उनको नाइन्टी फाइव मिला है सौ नहीं मिला नाइन्टी फाइव मिला पंचानबे मिला है पाँच नहीं मिला तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा लड्डू कि अडानी पोर्ट तो सर्वाइव कर जाएगा लेकिन अडानी ग्रीन के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही स्लिम बहुत ही ग्रिम बहुत ही थोड़े हैं कि अडानी इस बुल मार्केट का पोस्टर बॉय है और एक खास बात यह है कि पोस्टर बॉय के गड़बड़ होते होने के बाद भी ये बुल मार्केट खत्म नहीं हो रहा है पैनिक क्रिएट करना और डराना नहीं है मेरा काम ये बताना है कि कई बार जो आपको वैल्यू नज़र आती है वो वैल्यू होती ही नहीं है आपको लगेगा कि इसमें बहुत वैल्यू है मैं ये खरीद लूँ मैं वो कर लूँ बट वो वैल्यू नहीं है वो ऑप्टिकल है वो इल्यूजन है वो मिराज है क्या लगता है एपिसोड नंबर सोलह कितने एपिसोड हो गए हम सिर्फ अडानी के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं लेकिन क्या करें जब हॉट टॉपिक वही है तो उसी के ही बात करते रहेंगे अपने आज मैं सोचा कि आप लोग को बताएं कि कैसे बॉन्ड मार्केट जो है वो एक्विटी शेयर होल्डर्स की किस्मत डिसाइड करता है तो कॉर्पोरेट लॉ अगर जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि अगर कोई कंपनी को प्रॉब्लम आती है कोई रिकवरी प्रोसीडिंग होती है तो उसमें हायर आर ऑफ पेमेंट्स होते हैं मतलब कि सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा नॉर्मल होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को अपनी ड्यूज़ मिलती है फिर सैलरी मिलती है फिर ए बी सी डी ऐसे करके सीक्वेंस है लेकिन उसमें अपने मतलब की दो ही चीज है अपने मतलब का यह है कि बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है और शेयर होल्डर को क्या मिलता है तो बॉन्ड होल्डर को नॉर्मली अगर आप देखेंगे इस सीक्वेंस में जो पैसा मिलता है वो शेयर होल्डर के पहले मिलता है मतलब बॉन्ड होल्डर के को अगर सौ रुपए का बॉन्ड है और अगर उनको नाइन्टी फाइव मिला है सौ नहीं मिला नाइन्टी फाइव मिला पंचानवे मिला है पांच नहीं मिला तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा लड्डू क्योंकि शेयर होल्डर को जब भी मिलेगा जब बॉन्ड होल्डर को पूरे पैसे मिल जाएंगे उसके बाद कुछ पैसे बचेंगे तो फिर शेयर होल्डर की बारी आती है कि अब ये पैसे शेयर होल्डर को मिलेंगे तो मैं अगर आ, अडानी के दो बॉन्ड्स यूरोप में लिस्टेड है शायद फ्रैंकफर्ट में लिस्टेड है अडानी ग्रीन के अडा, और अडानी पोर्ट के तो अगर मोटे मोटी तौर पे अगर मैं आपको बताऊं और समझाऊं कि बॉन्ड का दाम देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि अडानी पोर्ट तो सरवाइव कर जाएगा लेकिन अडानी ग्रीन के सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही स्लिम बहुत ही ग्रिम बहुत ही थोड़े हैं अब कोई प्रोडिक्शन नहीं है कोई फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूं इस सिचुएशन देख कर कि बॉन्ड के दाम और बॉन्ड के प्राइसिस से क्या पता चल रहा है चलिए अब देखते हैं अडानी पोर्ट को हम अगर पहले देखें तो अडानी पोर्ट की बॉन्ड शायद 2024 की मेचोरिटी है वो आठ एक परसेंट ऊपर से नीचे गिर चुका है उसका यील्ड भी आप देखेंगे पाँच सवा पाँच सात छः सात परसेंट का है उसमें उतनी हलचल नहीं हुई ऊपर से गिरा है यील्ड थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन प्रॉब्लम अडानी ग्रीन के बॉन्ड में है अडानी ग्रीन का जो बॉन्ड है वो अभी कल के हिसाब से शायद सेवेंटी नाइन डॉलर्स का है और उसमें बाईस तेईस परसेंट का यील्ड है अच्छा जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो अभी मार्केट खुलते ही फिर चेंज हो जाएगा तो जब तक आप चेक करेंगे तो आप देख लें क्या हो रहा है बट मोटा मोटी तौर पर अगर मैं देखूं इसको तो अडानी ग्रीन का बॉन्ड जो है वो ऊपर से भी लुढ़का है काफ़ी सत्रह परसेंट ऊपर से लुढ़का है चार सवा चार परसेंट का कूपन था मतलब जब ये बॉन्ड इशू किए थे तो उन्होंने बोला था हम फोर या फोर आपको देंगे लेकिन क्योंकि 4.38 अगर आप 100 पे देते और क्योंकि वो भाव घटते घटते नीचे आ गया है 100 से बॉन्ड का क्योंकि आपको पता है हिडनबर्ग ने बॉन्ड बेचा था हिंडनबर्ग ने अब वो बॉन्ड इसलिए बेचे थे क्योंकि उनको पता था अगर मैं कोई भी रिपोर्ट निकालू कोई भी पैनिक क्रिएट करूँ कोई भी फियर साइकोसिस बनाऊं कोई भी डिस्कशन इनिशिएट करूँ कंपनी के फिनेंसिस के ऊपर और किसी भी ढंग से कंपनी को एफ लाने से रोक दूँ

300 का पी e. था जब हम देखते थे अब रोज पी e. 20-20 परसेंट से घट रहा है तो अभी नहीं करके भी 200-300 मतलब डेढ़ सौ का पी e. होगा इनको फाइनेंसिंग मिलना बहुत मुश्किल है और अगर ग्रीन को फाइनेंसिंग नहीं मिला अगर नहीं मिला ग्रीन को फाइनेंसिंग तो वो हेडेड टू ग्राउंड ज़ीरो फ्रॉम मून है अब इसको आप समझे जो आपको समझना है मैं नहीं बोलता क्या इसमें ज़ीरो है और क्या हीरो है बिकॉज शुरू से ही हम कह रहे हैं हमारा एक ही स्टैंड रहा है कि अगर ये एफ नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आउट ऑफ हैंड हो जाएगी और कंपनी के संभाले नहीं संभलेगी पूरी सिचुएशन लेकिन एफपीओ आपको याद है एक बार हम पीछे बात किए थे डू और डाई है करो या मरो कहीं से ही पैसा लाओ बट पैसा तो आया नहीं अब पैसा जब आया नहीं तो ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए आज ही शायद सर्किट मार मार के 20 25 30 परसेंट ऐसे ही एंटरप्राइज का स्टॉक गिर रहा था तो मुझे किसी ने फोन करके बोला क्या दाम में एंटरप्राइज पे बुलिश हो जाओगे अगर हम लेना चाहें तो? तो मेरा एक ही क्वेश्चन था ज़रूरी है क्या लेना और उसी में आप समझ लीजिए मेरा क्या व्यू है क्योंकि देखिए जब बुल मार्केट का लीडर गिरता है ना तो 10-20-30 परसेंट नहीं गिरता है पीछे आप जाके हिस्ट्री देख लीजिए कि बुल मार्केट के जो लीडर हैं है पोस्टर बॉय है और एक खास बात यह है कि पोस्टर बॉय के गड़बड़ होने के बाद भी यह बुल मार्केट खत्म नहीं हो रहा है बुल मार्केट रुख आ गया है सहम सा गया है साइडों के वेट कर रहा है उम्मीद में कि भाई तुम अपनी तकलीफें खत्म करो फिर हम आगे बढ़े तो जब जो होना है अडानी के शहरों के साथ वो जल्दी होए तो हम सबके लिए अच्छा है अगर उसको 90 परसेंट गिरना है तो इमीजिएट गिर जाए उसको 20 परसेंट गिरना है तो इमीजिएट गिरे मतलब जब जब इसकी प्रॉब्लम खत्म होगी ना तब हम आगे बढ़ पाएंगे बाकी मार्केट के लिए मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं स्टॉक 90 परसेंट गिरेगा कि पंचानवे परसेंट गिरेगा बट मैं एक एजम्पन दे रहा हूं कि बुल मार्केट के टॉप में स्टॉक्स ऐसे ही गिरते हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना मेरे पास शॉर्ट है ना मेरे पास लॉन्ग है बोल बोल के मैं थक गया सुन सुन के आपके भी कान पक गए होंगे लेकिन क्या करें सिचुएशन ऐसा है कि मैं नहीं चाहता हूं ये यूट्यूब के वीडियो के का कारण कहीं इधर उधर से हमको कोई प्रॉब्लम हो कोई हम पे हमारे हम ऊपर उंगली उठाए कि तुम पैनिक क्रिएट कर रहे थे तुम सबको डरा रहे थे मेरा काम पैनिक क्रिएट करना और डराना नहीं है मेरा काम ये बताना है कि कई बार जो आपको वैल्यू नज़र आती है वो वैल्यू होती ही नहीं है आपको लगेगा कि इसमें बहुत वैल्यू है मैं ये खरीद लूँ मैं वो कर लूँ बट वो वैल्यू नहीं है वो ऑप्टिकल है वो इल्यूजन है वो मिराज है जो आप कभी अगर डेजर्ट में जाते हो तो आपको दूर में दिखता है कि पानी है लेकिन वो पानी होता नहीं है वो मिराज रहता है तो उसी ढंग से आप देखें ये कोई भी स्टॉक अगर होगा तो आपको यही समझ के चलना होगा कि इसमें जो भी कुछ है आपको कुछ पता नहीं है आप एक ब्लाइंड खेल रहे हैं हाँ अगर आपको कोई सट्टा करना है कोई आप सोचें कि मैं लास वेगास गया हूँ या मैं कोई कैसीनो में बैठा हूं चलेगा देखते हैं क्या होता है अगर देखते हैं क्या होता है वाला एटीट्यूड है तो फिर तो देखते हैं क्या होता है लेकिन अगर आप दो मिनट के लिए अगर आप जेनुन पैसा लगाने की चेष्टा कर रहे हैं तो इतनी हलचल और इतनी हड़बड़ में कोई स्टॉक में मुझे तो लगता नहीं है कल हम शायद डिस्कस जरूर करेंगे कि अडानी ग्रुप के कौन से ऐसे दो स्टॉक या तीन स्टॉक है जहां फिर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बट ओवरऑल कॉन्टेक्ट से मुझे लगता है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को अपने हाथ पाँव नाक आंख मुंह सब दूर रखना चाहिए नहीं सोचना चाहिए फर्स्ट जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें ना लेना है ना कुछ बोलना है मुझे मेरा यही फंडामेंटल बात यही है कि इसकी लॉजिक को मैं उठाकर सामने लाऊं और बताऊं कि कैसे कंपनियां लेवरेज के कारण कैसे खत्म होती है कंपनियां इंसान आपको अगर लेवरेज के ऊपर अगर समझना हो ना तो एक बहुत अच्छी किताब है एल के ऊपर लिखी हुई जीनियस फील्ड मतलब जीनियस फील्ड बहुत ही जबरदस्त किताब है 96 97 की एक स्टोरी है जब वो रशियन बॉन्ड्स में वो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे और वो सारे वो ब्लैक शोल्स वाले शोल्स थे उसमें और एक से एक दिग्गज मैथमेटिशियन प्रॉबेबिलिटी एक्सपर्ट्स लेकिन बाजार जब उनके अगेंस्ट गया ना तो वो सारे हाथ उठा दिए तो कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट कमिंग बैक टू द इवेंट कमिंग बैक टू द लॉजिक कमिंग बैक टू आवर ओल्ड फेवरेट एंड द करेंटली फेवरेट टॉपिक अडानी मुझे लगता है द स्क्रीन टेल्स यू फार मोर देन वॉट यू थिंक एंड नो एंड द बॉन्ड मार्केट टेल्स यू दैट ग्रीन तो बहुत प्रॉब्लम में बाईस तेईस परसेंट का कोई हील्ड होता है क्या कोई स्टॉक का ये तो मतलब दिवालियापन का रेट बन गया है बाजार में हाँ लेकिन ये है कि आईसीआईसीआई बैंक के बॉन्ड्स भी बहुत उल्टे गए थे 2008 में तो कोई भी आपको बोलेगा कि आईसीआईसीआई बैंक का बॉन्ड उस समय 2008 में गया था तो अब इसके बारे में आप क्यों बोल रहे हो उस समय आप क्यों नहीं बोल रहे थे तो उसका ये आंसर है कि आईसीआईसीआई बैंक का जो बॉन्ड गया था दो में उस समय सिस्टमिक प्रॉब्लम थी पूरे दुनिया भर में लीमन कोलैप्स हुआ था उस समय बेरस्टर्नस तो छह महीना पहले खत्म हो गया था ग्लोबल इकोनॉमी क्रंचिंग सिचुएशन में थी यहाँ अडानी अकेला गिर रहा है वहाँ आईसीआईसीआई बैंक के साथ कम से कम 200, 300 और दुनिया भर के कॉरपोरेट बॉन्ड सब को कर रहे थे तो इट वाज़ अ सिस्टमिक प्रॉब्लम इट वाज़ अ जनरल प्रॉब्लम यहाँ ये कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो इसको ये समझ के अपने मन को न बहलाएं कि आईसीआईसीआई भी गिरा था मैं ख़रीद लेता हूं क्या फ़र्क पड़ेगा फर्क बहुत पड़ेगा बिकॉज आईसीआईसीआई गिरा था जब पूरी ग्लोब गिर रही थी उसके साथ 200, 300, 400 सौ बार्कलेस भी गिरा होगा उसके साथ आ, दुनिया भर के आ, जेपी मॉर्गन के भी गिरे होंगे गोल्डमैन सैक्स भी गिरा होगा सब कुछ गिरा था बट ये अकेला गिर रहा है बॉटम लाइन ये है कि बॉन्ड मार्केट आपको ये बता रहा है कि एक्विटी वालों को शायद कोई पैसा ना मिले ग्रीन में पोर्ट में स्ट्रगल रहेगा कितना रहेगा वो हम शायद कल परसों डिस्कस कर लेंगे देखकर पोर्ट और अंबुजा सीमेंट या एक दो और अगेन चौथी पांचवी छठे बार जितने बार बोलूंगा हर एक दो मिनट पे याद आता है कोई रिकमेंडेशन नहीं है हम सिर्फ कंसेप्चुअल सिचुएशन डिसाइड कर रहे हैं आपको लेना आप लीजिए आपको नहीं लेना आप मत लीजिए मैं ना किसी को डरा रहा हूं ना मैं किसी को रोक रहा हूं मैं मेरे को यह सिचुएशन नहीं चाहिए कि कल को कोई बोले कि तुम पैनिक क्रिएट कर रहे थे मेरा काम है पैनिक क्रिएट करना नहीं है मेरा काम है बताना द वे आई सी इट चलिए थैंक यू सो मच कल फिर मुलाकात होगी सुबह